नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 से 12 की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 1 को। हम ईएमसी की वर्कशीट के बारे में जानेंगे कि ये वर्कशीट क्या होती है, किस लिए आपको दी जा रही है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और कुछ आसान सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, जिनको हमें डिस्कस करना है। ओके, ईएमसी की वर्कशीट जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्कशीट होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है तो ईएमसी की वर्कशीट को क्यों करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि एमसी की वर्कशीट तो वैसे एडिशनल में आई हुई है तो इस पर हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये लगता है कि इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, लेकिन ये जो ईएमसी की वर्कशीट है आपके सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट ईयर की वर्कशीट अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत कुछ आपने मिस किया है। हमारी जीवन में जो सफलता है वो 15% डिपेंड करती है कि हमारे एकेडमिक स्किल्स, हमारे एकेडमिक मार्क्स कितने। ओके, आप जो भी बुक में पढ़ रहे हो वो कितने अच्छे मार्क्स रहेंगे, 15% आपकी सफलता सक्सेस डिपेंड करेगी उसके ऊपर। 85% आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी आपके सोशल स्किल्स के ऊपर। ओके, आपके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप में जो क्वालिटीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। कोई बच्चा अभी अगर 43% लेके आ रहा है, कोई बच्चा अभी जो 50% लेके आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में कुछ नहीं करने वाला। और कोई बच्चा अभी जो 95% लेके आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं, हम कितना सीखते हैं, कैसे हम सोसाइटी के साथ तालमेल बिना करके चल पाते हैं। ये सब कुछ बेहद ज़रूरी होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मार्क्स आ गए इसका मतलब हमें सक्सेस मिल जाएगी। हमें लगता है कि हम अच्छे से पढ़ लिए, सब कुछ रट्टा मार लिया, इसका मतलब हम बहुत आगे जाने वाले। आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपने क्या सीखा, कितना सीखा और कितना आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हो, कितना आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाले हो। ओके, तो ये सब कुछ हम ईएमसी की वर्कशीट के द्वारा सीखने वाले हैं। तो ईएमसी की वर्कशीट को पहली चीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दूसरा, क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, कौन से एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ दी जा रही है, उस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आज की इस वर्कशीट में हम ईएमसी कि जो वर्कशीट है उसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे। ईएमसी का अर्थ होता है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। ओके, इसका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि इन वर्कशीट जो हमें आएगी मिलेगी उन वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। तो ईएमसी की वर्कशीट की शुरुआत करते हैं हम एक्टिविटी के साथ कि क्या आपने सोचा है आज से 10-15 साल के बाद या 5-10 साल के बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे, यानी कि 5 से 10 वर्ष के बाद आप काम करना शुरू करोगे, जॉब की तलाश में निकलोगे। ओके, निकलोगे कि या नहीं निकलोगे, निकलोगे आप निश्चित तौर पे निकलोगे, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य होता है कि आर्थिक तौर पर हम कोई गतिविधि करें। ओके, तो क्या आपने सोचा कि आज से 5-10 वर्ष के बाद जब आप काम करना शुरू करेंगे तब किस तरह की नौकरियां या फिर उद्यम महत्वपूर्ण होंगे। कभी सोचा है कि 5 या 10 वर्ष के बाद आप जब काम की तलाश में निकलेंगे तो कौन से टाइप के जॉब की डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगी। नहीं सोचा होगा। अपनी कल्पना के अनुसार उनके चित्र बनाइए और उनके बारे में लिखिए। अगर नहीं सोचा तो अब सोचिए और बताइए किस प्रकार के काम धंधे वो इंपॉर्टेंट रहने वाले भविष्य में। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये हमारा पहला प्रश्न बनता है। इसका सॉल्यूशन आपको नीचे रिटर्न में मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करें। पहला, भविष्य में साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ओके, मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, क्योंकि जितनी तनाव भरा हम जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से हम मोबाइल से चिपके रहते हैं, जिस तरीके से हम ऑनलाइन लगभग ऑनलाइन हम 12 से 14 घंटे रहते हैं, तो भविष्य में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इस प्रकार की जॉब की डिमांड बढ़ने वाली है। दूसरा, इन्वायरमेंटलिस्ट जो पर्यावरणविद है, पर्यावरण विशेषज्ञ है, उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है पर्यावरण से संबंधित समस्याएँ बढ़ती जा रही, तो इस प्रकार की जॉब की डिमांड ज़्यादा रहेगी। तीसरा, जो ऑनलाइन ट्यूटर है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, तो ऑनलाइन ट्यूटर है उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी और बेटर होगी, हर किसी के घर में सस्ते स्क्रीन अवेलेबल होगी और आपको वर्चुअली तौर पे ऐसे लगेगा कि टीचर आपके क्लासरूम में है, वहीं से टीच कर रहा है, तो ऑनलाइन ट्यूटर है उनकी डिमांड बढ़ेगी। चौथा, जिसकी डिमांड बढ़ेगी वो बढ़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, क्योंकि सब काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे हैं, ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं, आगे इन फ्यूचर में और भी बहुत कुछ होने वाला है। ओके, जब 5G आ जाएगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनकी डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर है, हेल्थ फैसिलिटीज है, उनकी डिमांड भी फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार की जो जॉब है उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। ओके, तो ये हम उनके चित्र लगा सकते हैं या फिर आप उनको लिख सकते हो, ठीक है। ये हम एक्टिविटी के थ्रू करेंगे, नीचे आपको रिटर्न में आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या आप खुद को उनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं, अभी से सोचना क्यों ज़रूरी है। अब आप ये सोचिए कि क्या आपने सोचा कि आप इनमें से कुछ बनोगे।
साइकोलॉजिस्ट बनोगे या फिर हेल्थ वर्कर बनोगे या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे या फिर आप टीचर बनोगे, सोचा है? सोचिए, पहली चीज़ तो सोचिए। अगर नहीं सोचा तो भी आप सोचिए, समय निकालिए, आज इस वर्कशीट के बाद सोचिए कि आपको क्या बनना है। उसके बाद ये कि अभी से सोचना क्यों जरूरी है, काफ़ी सारे बच्चों से जब पूछा जाता है कि आपको क्या लेना है इलेवंथ क्लास में, जब आपसे पूछा जाता है क्या बनना है, तो अभी तो मैंने सोचा नहीं है। ओके, बाद में सोचेंगे, बाद में देखा जाएगा। लक्ष्य होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास लक्ष्य होता है तो हमें कोई भी कार्य करने में मज़ा आता है। अब आपको बोला जाए कि आपको कश्मीरी गेट जाना है, आपको बताया नहीं जाए कि कश्मीरी गेट क्यों जाना है, आपको मज़ा नहीं आएगा वहाँ जाने में। अगर आपको बता दिया जाए कि कश्मीर गेट क्यों जाना है, किससे मिलना है, तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक वे से जाओगे, ऊर्जावान तरीके से जाओगे, लक्ष्य से भटकोगे नहीं। तो इसलिए लक्ष्य होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे सामने लक्ष्य होता है तो हमारे पास पॉजिटिव स्किल्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, हम में थकावट नहीं होती, हम थकते नहीं है, कि हमारे सामने क्लियर होता है कि हमें करना क्या है। ओके, तो इसलिए आप सोचिए कि आपको क्या बनना है, और ये जरूरी क्यों है, ये मैंने बताया कि जब लक्ष्य सामने स्पष्ट हो तो हम राह से नहीं भटकते, हम ठीक तरीके से अपने जो लक्ष्य है उसके रास्ते को मैनेज कर पाएंगे, हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अभी से। जैसे आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आप अभी से उन पाठ्यक्रम के ऊपर, उस सिलेबस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना, तो मज़ा तो आएगा नहीं, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और हम अभी से उतनी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे दिया गया कि आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ साथ बहुत सारे नए अवसर भी पैदा होंगे, जैसे किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए अपना उद्यम शुरू करना, जैसे कोई सामाजिक समस्या आती है तो उसके लिए आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसे अभी की बात करें तो जो ई कचरा है, ई कचरा समझ रहे हो ना, जो मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के घर में 4, 5, 6, 7 मोबाइल फ़ोन है। पहले क्या होता था, मोबाइल फ़ोन कम होते थे, लेकिन जब भी मोबाइल फ़ोन बीमार हो जाता था, गड़बड़ हो जाती थी, उसका ट्रीटमेंट करवाते थे। ओके, क्या अब करवाते हैं? नहीं, अब नया फ़ोन आता है और पहले वाले फ़ोन को हम फेंक देते हैं। कहाँ जाता है? डस्टबिन में जाता है, छत के ऊपर जाता है, कबाड़ में जाता है। क्या आपने सोचा कि ये ई कचरा कहाँ जाएगा? लैंड को पोल्यूट कर देगा, बहुत ज़्यादा ई कचरा है वो डेवलप हो रहा है, तो इस ई कचरे का निपटान करने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार की कुछ सामाजिक समस्याएं, उससे जुड़े हुए उद्यम है, उनकी डिमांड रहेगी भविष्य में। उभरते हुए कार्य क्षेत्रों जैसे पर्यावरण है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ऑनलाइन ट्यूटर की बात करें, ऑनलाइन जो फंक्शन है उसकी बात करें, तो उनकी डिमांड भविष्य में बढ़ने वाली है। तो हमें अभी से खुद को तैयार करना है कि हमें भविष्य में क्या करना है। ओके, क्या करना है, और उनको अभी से हमें सीखना है। ओके, सिर्फ सोचना नहीं है, सीखना है। ऐसा नहीं कि हमने सोचा और हो जाएगा, हमें पहले सोचना है, निर्धारित करना है, और फिर हमें प्रयास करने कि हमें भविष्य में ये बनना है, क्योंकि अभी से हम तैयारी करेंगे तो हमारी नींव उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। यहाँ पर देखिए कि हमें नई क्षमताओं को भी सीखना है भविष्य में तैयार होने के लिए। क्या क्या सीखना है? एक तो पहली चीज़ जो हमें सीखनी है, ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स। हमें कुछ करने के सपने देखने और पहल करना है। किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है, बड़े से बड़ा जो बिजनेस होता है वो पैसे से बड़ा नहीं होता, बल्कि बड़े आइडिया से बड़ा होता है। कोई भी चीज़ हम जब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं, एक विचार आता है, और जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ आप कर सकते हो। किसी ने तो ये भी सोचा होगा कि इंसान उड़ेगा, सोचा होगा ना, जिसने भी सोचा, जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने सोचा कि हम उड़ सकते हैं। सभी ने कहा मूर्ख है ये, तो पागल है, मतलब इंसान कब से उड़ने लग गया, उड़ ही नहीं सकता। उन्होंने एरोप्लेन बनाई, हवाई जहाज बनाया, ऐसे इंसान उड़े कि आज भी उड़ रहे हैं ना। अगर वो सोचते नहीं तो कैसे होता? तो कोई भी कार्य है, उसके लिए सबसे पहले हमें सपने देखने होते हैं, उसके बारे में हमें सोचना होता है। जब हम सोचेंगे, सपने देखेंगे, तब हम हकीकत में कुछ कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो हमें सपने देखने हैं, हमें सपने देखने के साथ साथ उस दिशा में प्रयास करना है, पहल करनी है। ओके, ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स, हमें नई चीज़ें ट्राई करनी है। ओके, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछना और तथ्यों को समझना। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग जब हम करते हैं, नए आइडियाज आते हैं, कंसेप्ट को हम समझते हैं। ओके, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आप रट्टा लगाते हो, रट्टा लगाना क्या है? बिना सोचे समझे किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग क्यों लगा देते हैं, तो हम उस कंसेप्ट को समझते हैं। जब हम समझते हैं, वो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, और 2-4 और विचार हमारे माइंड में आते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मान के चलिए आपके 99% आए,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके 60% आ रहे हैं, और उसमें अगर आप सोच समझ करके करे हो, क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपने डेवलप कर ली, तो इसका मतलब ये कि आप कामयाब होने वाले हो। ओके, तो ये हमें डेवलप करना होगा अगर आपको भविष्य के लिए तैयार करना है खुद को। ओके, चाहे आपको टीचर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तीसरा, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, प्रभावी रूप से बात कर पाना। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, आप दो मिनट से ज़्यादा फॉर्मल तरीके से बात ही नहीं कर पाते। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस ही नहीं कर पाते। आप अपने टीचर्स के साथ ठीक से बात नहीं कर पाते या उनको कन्विंस नहीं कर पाते, तो कहाँ गड़बड़ है? यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ठीक नहीं है। कभी आपने इस पर ध्यान दिया? नहीं दिया कि चलो बस बोलना है, बोलना नहीं होता, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो इम्प्रूव कीजिए। फ्यूचर की बात करें, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हालांकि हम सब बोलते हैं कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, 2+2=4 होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में 2+2=4 होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपटीशन के लिए इंग्लिश भी बेहद ज़रूरी है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना बेहद ज़रूरी है। कब करोगे? तब करोगे जब इसकी ज़रूरत होगी, नहीं अभी कीजिए। साथ ही साथ आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। इसके साथ साथ हमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं के रचनात्मक समाधान ढूंढना, इस स्किल को भी डेवलप करना है। समस्या हर किसी के सामने आती है। समस्या का हल है आज नहीं तो कल है, हर समस्या का सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि ये चीज़ हो गई, तो हम बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है। पता नहीं से कुछ नहीं होगा, पता कीजिए ना, सीखिए ना, ट्राई कीजिए। जब हम ट्राई करेंगे, सीखेंगे, तो हमें सॉल्यूशन भी मिलेगा। हमें नई तरीके से सोचना चाहिए। ये क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स है, उसी का एक पार्ट है। इससे हम खुद की ग्रोथ करते हैं, नई चीज़ें हमारे सामने आती है, हम दूसरों से आगे निकल जाते हैं। तो ये भी आप में होना चाहिए, नहीं करे तो कीजिए। जैसे अभी क्या कर सकते हो, आपकी जो वर्कशीट आ रही है, आप वर्कशीट आ रही है, बाकी वर्कशीट में आपको कंसेप्ट को समझना है। मैथ्स की वर्कशीट है, उसमें आप कंसेप्ट को समझिए, लेकिन सॉल्यूशन आप खुद कीजिए। अगर आप कहीं से देख रहे हो, तो यहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हो, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करना। एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। टीम वर्क, कोई भी काम हम अकेले नहीं कर सकते। इन फ्यूचर में हम टीम वर्क में काम करते हैं तो बहुत दूरी तक जाएंगे। तो टीम वर्क में काम करना सीखिए, एडजस्ट करना सीखिए। ओके, किस तरीके से आप ट्यूनिंग सेट कर सकते हो वो सीखिए। जैसे आप क्लासरूम में होते हो, जनरली क्या होता है, अच्छा वो उसके ग्रुप में होगा, हम तो दो ही बेस्ट फ्रेंड है, यानी आप दूसरों के साथ डील ही नहीं कर पाते। आप क्लास में चुपचाप रहते हो, इट मीन्स दैट आप में टीम वर्क की स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाई। कौन लेके आएगा स्किल्स? आप डेवलप करोगे। वहाँ सीखिए कि कैसे जो डिफरेंट नेचर्स के लोग हैं उनके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, कैसे उनके साथ अपनी अच्छी ट्यूनिंग सेट कर सकते हो। तो ये सब कुछ भी आपको सीखना है। तो ये सब कुछ क्या तैयार करेंगे, हमें भविष्य के लिए तैयार करेंगे, जब हम जॉब की तलाश में निकलेंगे। ओके, जब हम स्ट्रगल करेंगे जॉब के लिए, जब हम कम्पीट करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो उसके लिए ये सब कुछ हमें अभी से डेवलप करना है। और इन सब के बारे में हम एक एक करके इन वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स हैं, उनके थ्रू हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि यही सब सीखने में ईएमसी आपकी मदद करेगा। यानी कि ये सब कुछ जो हमें खुद में डेवलप करना चाहिए, कैसे हम रिस्क उठा सकते हैं, कैसे हम रिस्क को कम कर सकते हैं, कैसे हम ट्यूनिंग सेट कर सकते हैं, कैसे हम लीडर बन सकते हैं, वो सब कुछ हम ईएमसी की वर्कशीट से पढ़ेंगे। ईएमसी में आप हर हफ्ते, हर सप्ताह, हर वीक अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में हम सोच पाएंगे। उनसे संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ दी होंगी, उन एक्टिविटीज़ को हम करेंगे, और ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ेंगे जो हमें कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करेगी। ओके, ये सब कुछ हम ईएमसी की वर्कशीट में करेंगे। आइए समझते हैं करके सीखना और उसके बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसके नीचे दिए गए बॉक्स जो दिए गए, उनमें उन कामों की सूची बनानी है जो आप खुद करके सीख सकते हो और जो सुन के सीख सकते हो। ओके, दो तरीके से हम सीख सकते हैं, एक तो हम करके सीख सकते हैं और दूसरा हम सीख सकते हैं सुन के। ओके, जैसे एक बच्चे की कहानी बताता हूँ। हमारे स्कूल का एक 6th क्लास का स्टूडेंट है। एक दिन स्कूल में कुछ कोच आए। ओके, कोच आए, उन्होंने फुटबॉल के बारे में बताया कि फुटबॉल इस तरीके से खेला जा सकता है, फुटबॉल का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और उस बच्चे को फुटबॉल का काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि उसके पास के पार्क में बच्चे फुटबॉल खेला करते थे। उस दिन उस बच्चे में जोश आ जाता है कि मैं भी फुटबॉल खेलने वाला हूँ। अब वो घर आता है और घर आने के बाद यूट्यूब के ऊपर सर्च करता है हाउ टू प्ले फुटबॉल। ओके, किससे? जो बेस्ट प्लेयर थे उनसे, कि व्हाट आर द बेस्ट टिप्स टू प्ले द फुटबॉल। उसने 2 या 3 दिनों तक लगा रहता है और जो बेस्ट प्लेयर थे उनको बेस्ट टिप्स देते हैं, बड़े अच्छे से उसको सिखाते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है। उसने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ उसने जान लिया।
उसके बाद संडे आ गया, संडे को फुटबॉल खेलने के लिए जो और बच्चे खेलते थे वहाँ पर वो पहुँचा और बड़ा कॉन्फिडेंट था कि आज तो मैं आग लगा दूंगा, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन जब एग्जैक्टली वो ग्राउंड में गया कुछ नहीं हुआ, बॉल के ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब चीज़ें हम सिर्फ सुन के नहीं सीख सकते, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें करके देखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, तभी हम सीख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर YouTube के ऊपर देख लें कि हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन, हवाई जहाज को कैसे उड़ाएं, ठीक है सीख लिया, उड़ा देंगे, नहीं उड़ा पाएंगे, हवाई जहाज को ही उड़ा देंगे, मतलब ब्लास्ट कर देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे कार्य होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, करके सीखने होते हैं, और बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको हम सुनकर या पढ़ करके सीख सकते हैं। जैसे कौन से? जैसे खाना बनाना है, प्रैक्टिकली करना होगा, तैरना है, प्रैक्टिकली करना होगा, खेलना है, प्रैक्टिकली करना होगा, ड्राइविंग है तो हमें प्रैक्टिकली करना होगा। तो ये सब कुछ हमारे इस बॉक्स में आएगा जिसका सॉल्यूशन मैंने नीचे दिया हुआ है। करके या सुनकर या पढ़कर कौन सी चीज़ें सीख सकते हैं, जिसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो नैतिक ज्ञान है, नैतिक शिक्षा है, वो हम यहाँ पर पढ़कर या सुनकर के हम सीख सकते हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़कर या सुनकर के भी सीख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उसमें हमें अलग अलग स्किल की ज़रूरत होती है। सब कुछ हम सुन करके नहीं सीख सकते, सब कुछ हम पढ़ करके नहीं सीख सकते, कुछ की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कुछ हमें नया ट्राई करना होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और छोटी सी एक्टिविटी देखिए कि दोनों तरह से सीखते हुए आपको कैसे लगता है। चाहे हम करके सीखें तो भी हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम सीख रहे हैं, और अगर हम पढ़कर या सुनकर सीख रहे हैं तो भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सीख रहे हैं। एक और चीज़, अब इस एज में जो कुछ भी आप ट्राई करते हो यहाँ पर आप कभी भी गलत नहीं होते, ओके, कभी भी आप गलत नहीं होते। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप सही होते हो या फिर आप सीखते हो। यानी कि सही नहीं होते तो क्या होते हो? सीखते हो, नई चीज़ सीखेंगे ना, गलत तरीके से करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि ये सही तरीका नहीं है। तो हमेशा ट्राई कीजिए, आगे बढ़िए एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा अलग से सोचिए, डिफरेंट वे से सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आज की इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स के। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ एक्टिविटीज दी गई जिनको हमें सॉल्व करना है, ओके। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया था कि क्या आपने सोचा है आज से 5-10 साल के बाद जब आप अपना काम करना शुरू करेंगे तब किस तरह की नौकरियां या फिर उद्यम महत्वपूर्ण होंगे? अपनी कल्पना के अनुसार उनके चित्र बना सकते हो या फिर उनके बारे में लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप ही लिख सकते हो। जैसे मनोवैज्ञानिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑनलाइन ट्यूटर, पर्यावरण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य सेवाएं, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहने वाली है। उद्यम की बात करें जो समाज से जुड़ी समस्याएं उनका हल करने वाले जो उद्यम होंगे वो भी डिमांड में रहेंगे, ओके। तो आप ये 5 लिख दोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा जो हमारी एक्टिविटी है या टास्क दिया गया कि क्या आप खुद को इनमें से कुछ करता हुआ देख रहे हैं? अभी से यह सोचना क्यों जरूरी है? आपको ये बताना है कि क्या इन एक्टिविटीज़ में से किसी एक्टिविटीज़ के बारे में आपने सोचा कि आप ये करोगे, और इसके बारे में अभी से क्यों सोचना है, ओके। तो मैं भविष्य में साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। आप अगर कुछ और बनना चाहते हो तो वो लिख सकते हो कि मैं भविष्य में मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। अभी से ये सोचना जरूरी है ताकि अभी से हम उन बारीकियों पर ध्यान दे पाएँ और अपनी तैयारी सही दिशा में कर पाएँ। जब हमारे पास लक्ष्य होता है तो हम दुगनी ऊर्जा के साथ उसके लिए प्रयास करते हैं, तो इसलिए अभी से सोचना बेहद आवश्यक है। उसके बाद तीसरा और अंतिम जो हमारा टास्क दिया गया इस वर्कशीट का, वो दिया गया कि उन कामों की सूची बनाइए जो आप खुद करके और सुन के सीखते हैं। तो सबसे पहले जो करके सीख सकते हैं वो एक्टिविटीज़ में वो गतिविधियाँ रहेगी, कौन सी रहेगी? पहला खाना पकाना करके ही सीख सकते हैं, खेलना करके ही सीख सकते हैं, तैरना करके ही सीख सकते हैं, ड्राइविंग करेंगे तभी हम सीखेंगे, ओके। उसके बाद सुन के या पढ़ के जो सीखते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो कुछ गतिविधियां हैं जो हम पढ़ के या सुन के सीख सकते हैं, जैसे पढ़ाई है, ओके, सुन के हम सीख सकते हैं, नैतिक शिक्षा सुन करके हम सीख सकते हैं, राजनीतिक जो अपडेट है हमने सुना इधर उधर क्या चल रहा है तो हम अपडेटेड हो गए, ओके। ऐसे बीमारियों से बचाव के तरीके बताए जाते हैं, हमने सुना, हमने पढ़ा, उनको अपनाया, बस सीख लिया, ओके। तो कुछ गतिविधियाँ जो हम सुन के सीख सकते हैं, कुछ गतिविधियाँ जो हमें करके देखनी होती है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि EMC की पहली वर्कशीट है तो आपका कमेंट मैटर करेगा कि आपकी वर्कशीट ये कैसी लगी और भविष्य में इन फ्यूचर में जो वर्कशीट आएगी वो आप कैसी चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।